कैसी है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ मैं, और अभी कनी के बाल डिसाइड हुआ कि कनी ने बाल कलर कराने, तो अभी हम सैलून पे जा रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई, इतने ढीले ढीले तरीके से। चलो कोई नहीं, अभी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि फिर हम बाज़ार भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी देख लेंगे कुछ भी और सामान जैसे लेना होगा। ऊपर से फिर इसकी अपॉइंटमेंट भी ले ली है हमने सैलून में, और मम्मी को भी डेंटिस्ट के पास जाना है, तो मैंने सोचा फिर ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी दिखा देंगे। तो वही कनी, क्या कहना चाहते हैं? मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं। अच्छी लग रही है तू अभी 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 अपने बा हाँ लग रही है शुरू से ही। तो अभी चलते हैं फिर, और क्या कहते हैं, यहाँ पे बाजार हमारे ना पास में ही है, तो देखते हैं फिर बाहर से कोई रिक्शा कर लेकर आएंगे। रिक्शा कर लेंगे, और अपॉइंटमेंट तो है ना, कितने बजे की है? साढ़े चार की अपॉइंटमेंट है, 4 बजे हम घर में। तो वही मम्मी भी रेडी हो गई है, उसके बाद अभी फिर हम चलते हैं। अभी रिक्शे यहीं से ले लेंगे, गली में ही है हमारे, तो यहीं से ले लेंगे, इसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। मम्मी से भी मैं मिलवाता हूँ अभी, आप सबसे भी अंदर से, आप सबको मैं अभी अंदर सबसे मिलवा दूँगा। और बहुत टाइम बाद यार ब्लॉग करने के लिए यार सॉरी, क्योंकि अभी देखो यार कुछ है नहीं अभी मेरे पास, और बहुत जल्द अभी बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सेटअप भी मैं चेंज कर लूँ अभी ब्लॉगिंग का, क्योंकि इससे क्वालिटी में थोड़ा वो तो पड़ता है, और यार ये बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं और हम मिलते हैं आपको बाहर। ब्लैक और प्योर वाइट हो, उसके मतलब कुछ ज़्यादा डिज़ाइन ना हो या फिर डिज़ाइन ना हो। प्लेन कुछ और वाइट नहीं है, ये फैमिली में है। क्या है दोस्तों, ये नहीं पता है। आ रहा है दोस्तों, अभी हम शूज़ तो मिले नहीं, तो हम बाहर आए हैं और बारिश हो रही है और ऐसी हो गई है मेरी। भाई भाई ये रहा, मैं किसी को देख ही नहीं रही कि कोई मुझे देख के सोच क्या रहा है। वो देख लूँ मेरे को शूज़ चाहिए। इतने गंदे हादसे हो रहे हैं ना मेरे साथ गाइस। यहाँ पे भी नहीं मिला। ओके गाइस बाय। कलर हो रहा है कहीं, क्योंकि हम सैलून में आ गए हैं। तो वही अब कनी का कलर होगा। मैंने इसको क्या दिया कि ये भी ब्लॉग बना ले, ठीक है? तो तुम ब्लॉग बना लियो, मैं मम्मी ठीक है कनी, ओके बना लियो, लगा तो टाइम बना, ठीक है? तो ये बना लेगी ब्लॉग, मैं यहीं खड़ा रहूँ, खड़ा बैठ आप यहीं तो बैठे हो ना, ठीक है?
उसको ऐसे कर दोगे तो वो छर्रे से बन जाएंगे। उन्होंने उसकी भी ली थी पहले पे, पहले वाली भी ली थी। सो जस्ट लाइक दैट वी आर बैक एट होम गाइज। कनी का भी मेकअप कह रहा हूँ, हेयर कट हो गया, हेयर कलर हो गया, हेयर कलर हो गया इसका। हो गया कितना सुंदर लग रहा है पर्पल, ओह माय गॉड दिस इज बहुत प्रिटी लग रहा है वहां से यार। गाइस यार बहुत लेट कर दिया उन्होंने कसम से, वो भी इशू, वो भी कुछ हो गया था, आर्गुमेंट पर फंस गया मम्मी के साथ, उस वजह से लेट कर दिया उसने। और तो चलो चलो छोड़ो अब जल्दी आ गए हैं हम। वो हमारी मम्मी को नहीं जानता, मम्मी से आर्ग्यू कर रहा था, मम्मी ने उससे आर्ग्यू कर दी, तभी इसी चीज की खुंदक निकालने के लिए बंदे ने लेट किया है। सो गाइस अभी एक चीज़ आई है दिमाग में कि अभी हम जैसे ये सरप्राइज था ना सबके लिए, तो हमने सोचा कि हमने किसी को बताया नहीं था कि हम ऐसे ऐसे बाहर गए हैं और बाल वगैरह कलर करवाने का सीन था ये वो, तो हमने सोचा अभी सबकी सबकी कह रहा हूँ सबको सबको वीडियो कॉल करके उनका रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो देखते हैं अभी। सबसे पहले जिया को करेंगे, रुकना नॉर्मली बात करूंगी मैं, ऐसे मत कर। कैसी है ना काम दोनों, एक चीज दिखानी है, तुम्हारे रिएक्शन चाहिए। बाल कलर करा दिए, वॉयलेट कराया धूप में, तो गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और जो मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई थी वो भी भाई इसमें ऐड ऑन कर देगा और फोटोज भी। तो हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।